स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे थॉमस होब्स। होब्स एक संविदावादी विचारक है और होब्स को संविदावादी विचारक इसलिए मानते हैं क्योंकि होब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम, यानी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। होब्स ही नहीं बल्कि जॉन लोक, रूसो, इन्होंने भी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन है वो किया। इसलिए होब्स, लोक और रूसो इन तीनों विचारकों को सामूहिक तौर पर संविदावादी विचारक या समझौतेवादी विचारक है वो कहा जाता है। लोक का जन्म ब्रिटेन में हुआ 1588 में, ब्रिटेन के मेम्सबरी शहर में इसका है वो जन्म हुआ और इसकी मृत्यु जो है वो 1679 में है वो ब्रिटेन में यह वो हुई। होब्स के समय में ब्रिटेन में घोर अराजकता थी। अराजकता का कारण यह था कि उस समय ब्रिटेन की जनता जो है वो दो भागों में बटी हुई थी। ब्रिटेन के कुछ लोग जो हैं वो लोकतंत्र के समर्थक थे और ब्रिटेन में कुछ लोग राजतंत्र यानी राजा के समर्थक थे। जो लोकतंत्र के समर्थक थे वो संसद को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और जो राजतंत्र के समर्थक थे वो राजा के निरंकुश अधिकारों का समर्थन कर रहे थे। तो इस प्रकार ब्रिटेन की में इस मुद्दे को लेकर उस समय गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न थी जिसके कारण ब्रिटेन में घोर अराजकता है वो व्याप्त हो गई। तो उस घोर अराजकता की परिस्थितियों में होब्स का बचपन गुजरा और उसने जो है ये निश्चित कर लिया कि इस तरह की अराजक स्थिति को का छुटकारा से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक निरंकुश सत्ता वो स्थापित है वो होगी। और उसने अपने राजनीतिक निष्कर्ष के तौर पर ये जो है वो राजनीतिक निष्कर्ष के तौर पर उसने ये प्रतिपादित किया कि जब सत्ता कमजोर होती है तो इसी तरह की अराजकता उत्पन्न होती है। शांति की स्थापना और अराजकता का अंत तभी होता है जब सत्ता है वो ताकतवर होती है और निरंकुश होती है। तो उस प्रकार अपने राजनीतिक निष्कर्ष के रूप में होब्स ने लोकतंत्र के स्थान पर निरंकुश सत्ता या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन है वो किया। होब्स की जो मुख्य पुस्तकें हैं उसमें उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है लेवियाथन। होब्स की जो एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है डी सीवे। एक पुस्तक है डी कॉर्पोरे और एक पुस्तक है एलिमेंट ऑफ लॉ। होब्स गैलीलियो के गति के नियम से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उससे प्रभावित होकर उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीतिक बातों का अध्ययन उसने किया और उसने भौतिकी के नियमों के को आधार मानकर राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास है वो किया। इस दृष्टि से होब्स को एक वैज्ञानिक विचारक भी है वो उस लोग मानते हैं। अब बात करते हैं अपन होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की। होब्स के राजनीतिक चिंतन में उसका सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से होब्स ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत है क्या? देखिए, राज्य राजनीति विषय राजनीति विज्ञान का एक मूल और केंद्रीय विषय है और इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये जानना जरूरी है कि राज्य आखिर आया कहाँ से, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसलिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक राज्य की उत्पत्ति के विषय में चिंतन होता आया है और चिंतन के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत सामने आए हैं। उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत और इस सिद्धांत के माध्यम से होब्स ने यह सिद्ध किया है कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, यानी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। और होब्स ने यह सिद्ध करने के लिए कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, होब्स ने एक विस्तार पूर्वक जो है क्रमबद्ध तरीके से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें सबसे पहले उसने मानव का स्वभाव बताया कि मनुष्य अपने स्वभाव से किस तरह का प्राणी होता है। फिर उसने राज्य की स्थापना यानी समझौता होने से पूर्व मनुष्य किस अवस्था में रहता था, जिसे उसने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है।
उसका उल्लेख किया है और उसके बाद उसने समझौते का के कारण बताए हैं, फिर समझौते का स्वरूप बताया है, फिर समझौते के बाद जो उत्पन्न राज्य का स्वरूप है वो बताया है। तो आइए अपन अब क्रमबद्ध तरीके से होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मानव स्वभाव। होब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सर्वप्रथम मानव स्वभाव की व्याख्या है वो कि मनुष्य अपने स्वभाव से किस तरह का प्राणी है। देखिए, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में अरस्तु को पढ़ाया था, अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है वो माना है। अरस्तु के विपरीत होब्स ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी नहीं माना। होब्स ने मनुष्य को सामाजिक नहीं बल्कि एक असामाजिक प्राणी है वो माना है। और होब्स ने बताया कि मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव से घोर स्वार्थी होता है। उसके प्रत्येक कार्य के पीछे उसका स्वार्थ उत्तरदायी वो होता है। वह स्वार्थी नहीं बल्कि एक झगड़ालू और युद्ध प्रिय प्राणी है वो होता है, जो निरंतर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों से वो झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर उसने बताया कि मनुष्य जो है वो कोई अच्छा प्राणी है वो नहीं। और मनुष्य स्वार्थी होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष झगड़ा निरंतर चलता रहता है। और होब्स ने बताया कि सभी मनुष्यों की शक्ति है वो समान होती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली होता है तो दूसरा व्यक्ति है वो मानसिक दृष्टि से ज्यादा बुद्धिमान वो होता है। और समान शक्ति होने के कारण उनमें जो झगड़ा प्रतिस्पर्धा युद्ध जो है वो निरंतर चलता रहता है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था। ये प्राकृतिक अवस्था क्या है? होब्स ने राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य या व्यक्ति जिस अवस्था में रहता था उसे ही प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। होब्स का कहना था कि राज्य के पूर्व की उस अवस्था में न समाज था, न संस्कृति थी, न किसी प्रकार की कोई सभ्यता थी। मनुष्य को किसी चीज का ज्ञान नहीं था, न नैतिकता अनैतिकता के मापदंड थे, न उचित अनुचित का कोई मापदंड था और न अच्छाई बुराई का कोई मापदंड था। उस अवस्था में जो है प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध था, संघर्ष था। चूंकि व्यक्ति अपने स्वभाव से झगड़ालू और स्वार्थी होता था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध होता था। तो एक भयंकर अराजकता की अवस्था थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है वो क्षणिक है वो होता था। क्षणिक का मतलब है किसी भी व्यक्ति की कभी भी जान जा सकती थी। इसमें जो जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत है वो प्रभावशील था। और जो है इसमें मत्स्य न्याय की स्थिति है वो प्रचलन में थी। शक्तिशाली व्यक्ति है अपने निर्बल को मारता था और शक्तिशाली को उससे शक्तिशाली व्यक्ति मिल जाता था वो उसको मारता था। तो ये भयंकर अराजकता की स्थिति थी जिसमें कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है वो नहीं था। इसके अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार का अस्तित्व भी था और प्राकृतिक कानूनों का अस्तित्व भी था। होब्स के अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में एक प्राकृतिक अधिकार था और वह अधिकार था आत्मरक्षा का अधिकार। इस अधिकार के तहत व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। और इस प्राकृतिक अवस्था में जो है वो व्यक्ति पूरी तरह से असुरक्षित था और व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम है वो तय किए थे और उन्हीं नियमों को होब्स ने प्राकृतिक नियमों का नाम दिया है। और होब्स ने जो है इस अवस्था में कुल 19 प्राकृतिक नियमों का उल्लेख है वो किया है। और इन प्राकृतिक नियमों का सार ये था कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वैसा व्यवहार तुम्हें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। इस प्राकृतिक अवस्था में शांति की स्थापना के लिए ये प्राकृतिक नियम थे। उसके बावजूद भी शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाले राज्य जैसी कोई सत्ता अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए नियम होने के बावजूद भी है वो अराजकता व्याप्त थी। अब बात करते हैं समझौते का स्वरूप, कि समझौता क्यों और कैसे हुआ।
तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक अवस्था में घोर अराजकता थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा चाहता था। और व्यक्ति की जान की सुरक्षा तभी होती जब कोई राज्य जैसी संप्रभु संस्था की उत्पत्ति होती और उसकी स्थापना के लिए लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। और समझौता करने के लिए सभी व्यक्तियों ने यह शपथ ली कि मैं अपने समस्त शासन के अधिकार जो हैं वो उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों के समूह को इस शर्त पर सौंपता हूं कि वह भी अपने अधिकार इसी तरह से अन्य को वो सौंपते। तो इस प्रकार जो है सभी व्यक्तियों ने अपने शासन करने का जो अधिकार है वो दूसरों को समर्पित कर दिया। और इस समझौते की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो अंत में एक व्यक्ति में आकर समाहित हो जाते हैं और वही एक व्यक्ति राज्य का संप्रभु होता है। उसे ही हॉब्स ने लिव्यथन का नाम है वो दिया है। तो इस प्रकार इस समझौते के माध्यम से जो सभी व्यक्तियों के अधिकार और संप्रभुताएं एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं उसी एक व्यक्ति को हॉब्स ने लिव्यथन या अपना संप्रभु है वो कहा है। हॉब्स का लिव्यथन एक सर्वशक्तिमान शासक है और ये इतना शक्तिशाली है कि सब इससे डरते हैं और सब इससे डरेंगे तभी राज्य में शांति है वो रहेगी। अब बात करते हैं समझौते के बाद उत्पन्न राज्य के स्वरूप की। होब्स का कहना था कि इसी सामाजिक समझौते के माध्यम से एक साथ समाज और राज्य की उत्पत्ति है वो होती है। समझौते के माध्यम से जो राज्य या राजनीतिक सत्ता या संप्रभु अस्तित्व में आता है उसकी सत्ता असीमित है और उसकी सत्ता पूरी तरह से निरंकुश है और उसकी सत्ता की कोई सीमा है वो नहीं है। न जनमत न कानून उसकी सत्ता को सीमित कर सकता है। उसके आदेश ही कानून है और कोई भी व्यक्ति उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। लोगों का एकमात्र काम है कि वह संप्रभु के आदेशों की पालना करें। कोई भी व्यक्ति जो है वो संप्रभु का न तो विरोध कर सकता है, यानी होब्स जो है वो व्यक्तियों को राज्य के विरोध का अधिकार प्रदान नहीं करता। लोगों का एकमात्र काम है कि वह शासक यानी राज्य के आदेशों की पालना करें। अब बात करते हैं होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि होब्स का यह समझौता जो है वो सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज की उत्पत्ति भी होती है और राज्य की उत्पत्ति भी वो होती है। इस सिद्धांत की अगली जो विशेषता है वह यह है कि यह समझौता जो है जनता और शासक के बीच में नहीं होता बल्कि यह प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच में होता है। इसलिए शासक जो है वो समझौते का कोई पक्ष नहीं है बल्कि वह समझौते का एक परिणाम है। अगली विशेषता यह है कि चूंकि शासक जो है वह शासक या संप्रभु है वो समझौते का पक्ष नहीं है इसलिए शासक पर जो है समझौते की कोई शर्त लागू नहीं होती। इसीलिए वह पूरी तरह से है वो निरंकुश है। तो ये है होब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।